हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है GS3501 जो बोस का ड्रिल मशीन रहता है 13 mm का। इसका मॉडल हमारे 501 अभी जो आ रहा है मॉडल GS3500। तो ये है 501 का मॉडल। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मशीन स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड में कनेक्शन कर लेता हूँ। ओके, ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे घूम रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्ले हो रहा है, यहाँ पे देखिए। और ये बहुत ज़ोर से आवाज़ भी कर रहा है, देखिए। इस पोजीशन में अगर हम प्रेस करते हैं ये आवाज़ कर रहा है, प्लस ये ड्रिल मशीन जब होल किया जाता है तभी ये टाल हो रहा है, मतलब प्ले हो रहा है जो भी है। तो खोलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे दोस्तों T20 स्क्रू ड्राइवर यूज करके हम जितने भी स्क्रू है सबको खोल लेते हैं। टेस्टर पकड़िए और ये यहाँ पे एक छोटा सा होल दिखेगा, यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा उठा लीजिए और यहाँ से थोड़ा उठा लीजिए, ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप उसका कंडीशन देखते हो, बिल्कुल सही सलामत दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये हिल रहा है। तो क्यों हिल रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, बोल तो सबसे पहले हम उसको, तो यहाँ से हम उसको खोल लेते हैं। तो यहाँ से मोटर साइज बिल्कुल सही है, बेरिंग हम थोड़ा चेक कर लेंगे, बेरिंग सही है या खराब है। बेरिंग बिल्कुल सही है, बैक बेरिंग भी टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी बैक बेरिंग भी सही है, तो दिक्कत कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए गियर भी सही है, उसका स्पिंडल हमको चेक करना है। यहाँ पे जो स्पिंडल का जहाँ पे बेरिंग बैकल लगता है ये आपको ज़रूरी चेक करना है, ये खाने से ही है प्ले करता है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक नॉर्मल होल होता है लेकिन यहाँ पे एक होल हो गया है, ये देखिए यहाँ पे ये होल रहता है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा होल हो गया है। तो इसके कारण हमारा नॉर्मल मोड में ये हमरिंग करेगा, ये कस्टमर बताया था मुझे कि नॉर्मल मोड में बहुत साउंड कर रहा है, मतलब हमरिंग हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हमको चेंज करना है। और प्ले क्यों हो रहा है और मुझे यहाँ पे पता चल गया है प्ले क्यों हो रहा है, देखिए इसके अंदर जो नेडल बेरिंग रहता है वो टूट गया है, तो इसको हमको खोलना है। तो कैसे खोलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे हम इसको बेरिंग को निकालेंगे और ये बेरिंग 0809 का बेरिंग लगता है। तो यहाँ से दोस्तों हम उसको पीटेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो पीटने के लिए आपको एक शाफ्ट की ज़रूरत होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये दोनों चीज़ लगभग सभी के पास होता है, तो आपके पास भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम उसको नीचे रख लेंगे, यहाँ से ऊपर में पीटेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये यहाँ से भी ये निकल गए। तो यहाँ से उसका नया बेरिंग है, 0801 का बेरिंग है और हम यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा गैप रहता है और यहाँ से हम लगाएंगे बेरिंग को। उससे पहले हमको थोड़ा ऑयल देना है क्योंकि ये, और यहाँ पे देखिए मैं ऑयल चारों तरफ ऑयल दे रहा हूँ बेरिंग को लगा के। ओके, ये लग गया। तो अभी हमको उसको रखना है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो यहाँ से आप पीट सकते हो उसको। बिल्कुल सेम यहाँ पे बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ओके, ये हो गया देखिए, और थोड़ा जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों ये बिल्कुल यहाँ से सेम रहना चाहिए और यहाँ से थोड़ा नीचे जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है और थोड़ा नीचे जाएगा, तो यहाँ पे और पीट लेंगे। ओके, ये हो गया है अभी दोस्तों, ये हो गया है रेडी। तो हम इसको हमको चेंज लगाना है, दोबारा लगाना है, नहीं तो दोस्तों आप इसका बेरिंग रैकेट भी चेंज कर सकते हो।
कैसे चेंज करोगी? यहाँ पे देखिए, अगर ये जो घाटी खा गया है तो आपको बेरिंग के साथ बेरिंग ब्रैकेट को भी चेंज करना है, तो ये भी नया मिल जाता है। अगर चाहिए तो कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। अभी दोस्तों ये रेडी हो चुका है, अभी हम ये चेंजिंग ओवर स्विच को चेंज करेंगे। तो ये कंप्लीट आ जाए बोस का, तो इसको भी चाहिए, तो मैं इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमरिंग ज़्यादा करेगा, प्लेन मोड में हमरिंग करेगा, इसके वजह से हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये नया चेंज ओवर हो गया, यहाँ पे देखिए बोस का है चेंज ओवर स्विच, तो इसको भी हमको लगाना है। ये देखिए अभी देखिए ये यहाँ पे ये जो बेरिंग चेंज ओवर स्विच होता है, ये देखिए ये एक्स्ट्रा होल यहाँ पे हो गया है, लेकिन यहाँ पे होल नहीं है, और यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा होल हो गया है। ओके, इसको हमको लगाना है। ये दोस्तों ये फिटिंग करना बहुत आसान है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको बेरिंग ब्रैकेट को लगाना है आर्मेचर में। ये देखिए आर्मेचर, आर्मेचर के जो यहाँ पे बेरिंग होता है 608 का, यहाँ पे हमको फिटिंग करना है। इसे फिर थोड़ा उठा लेते हैं ऊपर, तो ये लग गया है। तो अभी हमको क्या करना है, इसका स्पिनल के साथ जो चीज़ रहता है कंप्लीट, उसको हमको अंदर लगाना है, और ये यहाँ पे ये जो बूस्ट होता है उसको सेंटर में लेके एडजस्ट करना है, ये हो जाएगा। ओके, ये रेडी हो गया। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा ऑयल नहीं देना चाहिए, मैं ऑयल थोड़ा दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा ग्रीस देना है, आइडियल का ग्रीस जो हमारी ग्रीस रहता है, अगर वो चाहिए आपको जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थोड़ा ग्रीस यहाँ पे भर दीजिए थोड़ा, और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा ग्रीस दे रहा हूँ। ओके, ये लगभग रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको चेंज ओवर स्विच देना है, ये जो चेंज ओवर स्विच है ऐसे ही रहेगा, ये जो लोहा का रहता है चेंजिंग मोड रहता है, ये साइड में ऐसे ही रहेगा, देखिए ऐसे चला जाएगा, आसानी से लग जाएंगे यहाँ पे। तो ये ब्लैक इसलिए था, ये पुराना मॉडल का था, तो इसलिए ये ब्लैक कलर का दिया गया है, अभी नया मॉडल में ये रेड कलर का था, ये स्विच के साथ अच्छा दिखता है, तो इसलिए ये ब्लैक कलर का दिया गया। अभी हमको उसका फिटिंग करना है स्विच, ये आसानी से हो जाएगा। इसको हमको ऐसे स्क्रू टाइट कर देना है, जितने भी स्क्रू है यहाँ पे हमको टाइट करना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये रेडी हो चुका है, अभी हम उसको मशीन को चला लेंगे, देखेंगे साउंड कैसे रहता है। तो सबसे पहले मशीन हमेशा सीरीज में टेस्ट कीजिए, वैसे यहाँ पे सीरीज में टेस्ट कर रहा हूँ, सीरीज में अगर सही चल रहा है, कोई भी मैग्नेटिंग फील्ड नहीं वाला है अच्छा से, तो कोई भी इशू नहीं है, साउंड परफेक्ट है, देखेंगे यहाँ पर। तो अभी आप करेंट में दीजिए, लाइन में दीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे मशीन रेडी हो जाएगी। अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो देखना है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिला तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या जानकारी मिला। थैंक यू।